आई थिंक फिल्म फिल्म होती है और एक रेस एंटरटेन कर चुकी है सबको. आई थिंक इट्स आई एम श्योर दिस फिल्म विल एंटरटेन ऑल ऑफ अस. Lots of action, lots of glamour, fun, a great story. I enjoyed race one, so race two is going to be bigger, better, more. I'm very excited. Today is actually the first time I'm seeing the movie, so I'm extremely excited actually. I think race ek franchise hai aur I'm very very sure that logo ko pasand aayegi. I think pehli race definitely mind mein hai, but I think ye और भी इंटरेस्टिंग लग रही है. देयर इज लॉट्स ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन दिस वन एंड पहली वाली अनप्रेडिक्टेबल थी, ये भी वैसी ही होगी. बिल्कुल, आई थिंक दैट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म. इट्स एन एक्शन थ्रिलर और बहुत टाइम के बाद इस जॉनर का फिल्म देखने को मिलेगा ऑडियंस को. So looking forward to that. So, सब मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है अब्बास हसन साहब की जो पिक्चर पहली रेस भी जी सब लोगों का काम अच्छा था उसमें. बिपाशा हो, अक्षय हो, सैफ हो, अनिल कपूर जी हो, समीरा रेड्डी हो, सेम मुझे लगता है कि ये पिक्चर भी उस तरह की रहेगी. स्टाइल होगा और एक अलग जॉनर की जो सिनेमा इस साल में देखने मिलेगी. नहीं, हम लोग को कॉन्फिडेंस है. हमारी जो रेस पिक्चर थी उससे बिल्कुल ये कहानी भी डिफरेंट है, लेकिन रेस टू का सिक्वल है ये और इंशाल्लाह पिक्चर हमको लगता है बहुत अच्छी चलेगी. वेल, ये रेस टू है, जितना कहे उतना कम है. मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म दर्शकों को बहुत बहुत लुभाएगी. पूरी पैसा वसूल फिल्म है, इसमें अमेजिंग लोकेशंस, गुड लुकिंग एक्टर्स, ग्रेट एक्शन, सुपर म्यूजिक एंड अमेजिंग स्टोरी लाइन है. तो ये मिर्च मसाला कमर्शियल एंटरटेनर है और रेस वन तो वैसे ही हिट रही है, तो मुझे उम्मीद है कि रेस टू से और भी बड़ी हिट होगी. बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे रेस भी बहुत पसंद आई थी एंड आई एम स्पेशली रूटिंग फॉर जॉन. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वर्क. आई थिंक इज लुकिंग ग्रेट और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, आई एम श्योर. और आई एम रियली एंजॉइंग फॉर सो वेरी गुड इवनिंग. वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द मूवी. रमेश चौरानी, जय शेवक्रमानी, को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, वेरी नियर टू मी, वर्क विद देम अर्लियर ऑन अ फिल्म एंड I'm here in support for them and I'm sure it's going to be a great film. Looking forward to it. No, excited. I think let's see what happens on the holiday and let's see what happens in the opening. I think it's a fun film. You know, I saw it yesterday and I liked it. And now it's up to the audience. So fingers crossed.